Myself Dipen Kumar Sharma from Daffodils Public School. I hope you are very well at home and you started your studies continuously. And आपको जो भी doubts हो, आपकी exercise के किसी भी questions में आपको doubt हो, तो आप उसकी pic लेकर WhatsApp पर डाल सकते हैं, और अगर calls करना चाहे तो आप call भी कर सकते हैं, ठीक है? एक बात, हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो तक फिफ्थ एक्सरसाइज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स एंड वैदिक मैथ एंड फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी नंबर्स थ्री एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करें, इनके क्वेश्चंस को आप राइट करते रहें। अगर कोई से भी प्रश्न में आपको क्वेश्चंस के अंदर डाउट हो तो आप तुरंत कॉल करें, इमीडिएट कॉल करें टीचर्स को और अपने डाउटों को क्लियर कर लें। अगर ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स आए तो आप एक बार स्कूल में भी आकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। टीचर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं 8 से 2 PM तक, ठीक है? आप कभी भी स्कूल टाइमिंग पर भी आकर अपना वर्क भी चेक करवा सकते हैं, और एक बात, अपना वर्क भी सेंड करना ना भूलें, ठीक है ना? तो आज हम नई एक्सरसाइज फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्रैक्शंस होती क्या है? सबसे पहले एक बात मैं पहले बोल दूं, हमने सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, सेकंड एंड थर्ड ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को अभी होल्ड रखा है। क्यों? क्योंकि वो ईजी चैप्टर्स हैं, या हम उसको अभी एक दो दिन में दोबारा स्टार्ट कर देंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट हैं, उनको आपको पहले करवा चुका हूं मैं। तो आज नया टॉपिक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में मैं बता दूं, होती क्या है, यानी ये एक जो है वन चीज का जितने पार्ट्स आप कर सकते हो, आप एक कंप्लीट है आपके पास। जैसे मेरे पास ये चौक है, एक वन पीस। अब मैं इसके कितने पार्ट्स करना चाहूँ, वो जितने पार्ट्स आप करोगे ना, वो क्या बनती जाएगी, वो एक एक पार्ट्स उसकी फ्रैक्शंस के रूप में बनती जाएगी। जैसे मैं बात करूँ, एक ये बॉक्स है आपके, ओके, एक ये बॉक्स है, ये आपके अभी कितना है, कंप्लीट वन है, वन बॉक्स है। अगर मैं चाहूँ, चलो मैंने बोला इसको आधा काट दीजिए बीच से, ठीक है, अब कितने पार्ट बन जाएंगे काटने पर इसको, वन एंड टू, यानी ये भी आधा, वन बाई टू एंड ये भी वन बाई टू, यानी एक को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स में। एक को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स में, यानी ये क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। यानी जो भी जितने पार्ट्स में आप उसको, अगर मैं बोलूं कि इसको एक बार और बीच से काट दो, अब कितने पार्ट हो गए, वन टू थ्री एंड फोर, यानी हर पार्ट कितने, वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर एंड वन बाई फोर, यानी सब जो भी है वन थिंग को, वन चीज को आप जितने पार्ट्स में कवर ब्रोकन कर सको, तोड़ सको, वो उसकी फ्रैक्शंस के रूप में। यानी आप फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन होती क्या है, आपके जो फ्रैक्शंस है आपको दिख रहा होगा, एक नंबर ऊपर है, एक नंबर नीचे और एक डिवाइड लाइन, एक लाइन है। यानी आपको टॉप नंबर, यानी फ्रैक्शंस क्या होती है, एक टॉप नंबर होता है, एक बॉटम नंबर होता है, एक बॉटम नंबर, ओके, और बीच में इनके डिवाइड लाइन होती है। अगर कोई भी नंबर्स आपको इस रूप में लिखा मिल जाए, टॉप नंबर एंड बॉटम नंबर और डिवाइड लाइन, वो आपके क्या बनेगी, फ्रैक्शंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फ्रैक्शंस। कुछ भी लिख दो, वन टू, ये भी फ्रैक्शन है। अब मैंने लिख दिया सिक्स टू, ये भी फ्रैक्शन है। मैंने लिख दिया थ्री फोर, ये भी फ्रैक्शंस है। क्यों, एक नंबर ऊपर, एक नीचे और बीच में डिवाइड लाइन या लाइन, ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो टॉप नंबर होता है आपके, जो टॉप नंबर होता है वो क्या कहलाता है, न्यूमरेटर। क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, यानी हिंदी में बोले तो अंश, न्यूमरेटर। ऊपर वाला जो नंबर, टॉप नंबर होता है फ्रैक्शंस का, वो आपके क्या कहलाता है, न्यूमरेटर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बॉटम नंबर की बात करें तो ये होता है आपके डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डेनोमिनेटर, यानी हर। तो
जो भी नंबर्स आपको न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में दिखे वो आपके ऊपर वाला नंबर हमेशा न्यूमरेटर होगा, नीचे वाला नंबर्स आपके डेनोमिनेटर होगा, और ये जो बीच वाली लाइन होती है ये डिवाइड लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? डिवाइड लाइन होती है, जिसको आप बाई बी बाई बाई के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को डेनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, यानी अब इस फ्रैक्शन की बात करूं मैं तो 1 इज द न्यूमरेटर एंड 2 इज द डेनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डेनोमिनेटर। इसमें बात करें तो 6 न्यूमरेटर एंड 2 डेनोमिनेटर। ओके, 3/4 की बात करें तो ये आपके न्यूमरेटर और ये आपके डेनोमिनेटर। तो आपको न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर चीजें समझ में आई होगी। ये आपके हमेशा फ्रैक्शंस जो होती है आपके फ्रैक्शन, ये आपके हमेशा वन से लेस में होती है, वन से लेस में ही आएगी। कौन सी? सिंपल फ्रैक्शन, ओनली ऑन सिंपल जो फ्रैक्शंस है आपके वो आपके वन से लेस होगी हमेशा, वन से, क्योंकि ये भी वन से छोटी है, क्योंकि वन में से तो डिवाइड कर रहे हैं ना। और एक हमारे आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात मैं करूं तो क्या होगा? एक तो होल नंबर आ जाए एंड फ्रैक्शंस हो, एक क्या हो? फ्रैक्शन, यानी दोनों का जो कंबाइंड मिक्सचर है वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। मिक्स का मीन्स ही हो गया जोड़ना, किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ना, यानी एक होल नंबर, कंप्लीट नंबर हो कोई सा भी, जैसे मैंने लिख दिया 2, एक तो हो गया होल नंबर 2 एंड फ्रैक्शन, यानी एक मैंने फ्रैक्शन लिख दी 1/2, तो ये दिस इज राइट मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी 2 इज द होल नंबर एंड 1/2 इज द फ्रैक्शन, आर 2 कंबाइंड इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। दैट क्लियर? तो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कोई 4 ले लिया, ठीक है, 4 एंड 1/3, ये आपके दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। दैट्स क्लियर? आगे बात करें इससे आगे बात करने पर हम देखते हैं नंबर नेम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके कि देखिए नंबर नेम फर्स्ट टॉपिक आपके यहीं से स्टार्ट होता है, नंबर नेम फ्रैक्शंस का, नंबर नेम देखिए फ्रैक्शंस का आप नंबर नेम कैसे राइट करोगे, अब चाहे वो सिंपल फ्रैक्शंस हो या मिक्स फ्रैक्शन हो। देखिए 1, 6, 7 कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, ऊपर वाले नंबर को लिख दो 6, लिख दिया, नीचे वाले को लिख दो 7, लिख दिया। अब जो बीच वाली डिवाइड लाइन का मैंने अभी बताया था क्या, बाई 6/7, ओके, दिस इज राइट नंबर नेम। सेकेंड, इसी तरह एक और देख लेते हैं, 3, 4, दिस 3/4, ओके, ऊपर वाला नंबर फिर डिवाइड लाइन फिर नीचे वाला नंबर, टॉप डिवाइड बॉटम, सिर्फ नाम लिखने हैं आपको, कुछ नहीं करना। इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होती है कि सिंपल फ्रैक्शन के तो आप नंबर नेम बड़े इजीली लिख देते हो, मिक्स फ्रैक्शन के नंबर नेम कैसे लिखोगे? 1, 2, 3, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब देखिए इसका नंबर नेम आप कैसे लिखोगे, ये तो आपके होल नंबर है, होल नंबर है ना, तो होल नंबर को तो आप लिख दीजिए 1, जो होल नंबर है उसको लिख दिया 1, ये क्या है 1 एंड 2/3, एक तो आपके होल नंबर है, होल नंबर एंड दूसरी क्या चीज है, फ्रैक्शन, यही तो होती है आपके, यही तो मैंने अभी बताया था मिक्स फ्रैक्शन, एक तो होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होती है, तो आपको होल नंबर लिख दिया 1 एंड होल नंबर 1 हो गया, एंड लगा दो होल नंबर एंड, उसके बाद जो फ्रैक्शन है उसका नंबर नेम लिख दो 2
वाई थ्री, टू वाई थ्री। ओके, इसी तरह मैं एक और की बात कर लूं, टू सेवन फाइव। अब देखिए होल नंबर इज टू, दैट्स टू, एंड इसका क्या हो जाएगा, सेवन वाई फाइव, सेवन वाई फाइव। ओके, दैट्स क्लियर। एंड ये सब नंबर्स नेम आपको अपनी बुक्स में, बहुत सारे नंबर हैं उनके आप नंबर नेम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स तो नहीं आनी चाहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कॉल करके मालूम कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।